So what are relationships? Relationships are the connection between two people or more than two people, right? So relationships अच्छे कब होते हैं? जब हम एक दूसरे के साथ अच्छा रहते हैं, हम एक दूसरे को समझ के लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग नेचर के साथ में एक दूसरे के साथ में रहते हैं, हम किसी को तंग नहीं करते, किसी का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, तब वो रिलेशनशिप्स होते हैं। और कमिटमेंट, रिलेशन लाइक रिलेशनशिप बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ इज़ ऑन कमिटमेंट, राइट? इफ ईदर द हस्बैंड इज़ नॉट कमिटेड और द वाइफ इज़ नॉट कमिटेड टू द हस्बैंड एंड नॉट लॉयल, देन दैट रिलेशनशिप इज़ ऑफ नो यूज़ टू ईच अदर। ये होता है एक रिलेशनशिप। तो आई विल टॉक अबाउट ईच रिलेशनशिप थ्रू आउट द डे एंड पोस्ट इट। तो मैं पहले हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में बात करूँगी। अगर कोई लड़का कमिटेड नहीं रहना पसंद करता, उसको बहुत सारी मल्टीपल लड़कियाँ चाहिए होती है, तो देन बेटर यू डोंट मैरी टू एनी वन एंड डोंट स्पॉयल एनीबडीज़ लाइफ। अपने लाइफ में इंजॉय करो मस्त, जो करना है करो बैचलर रह के। दैट इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग दैट इफ अ गर्ल इज़ लीविंग हर हाउस, उसका घर छोड़ के आपके पास आती है ना, आप दूसरी लेडी के साथ में चक्कर चलाते हो, तो सबसे बड़ा पाप है, यू कैन से। कभी भी साथ फेरे लेते हैं तो हम क्या कमिटमेंट्स करते हैं, उसमें ये भी एक कमिटमेंट होता है कि आई विल ऑलवेज बी योर्स एंड ओनली कमिटेड टू यू टाइप्स, अपनी वाइफ को लड़का बोलता है। एंड मैक्सिमम लोग इन इंडिया, व्हाट आई हैव सीन इज दे गो टू अदर फीमेल्स, दे गो टू 10 फीमेल्स, विच इज़ एब्सोल्यूट रॉन्ग। और अभी यार, मतलब मुझे एक लड़की मिली ट्रेन में, नॉट इन द ट्रेन एक्चुअली, ऑन रेलवे स्टेशन, शी वॉज इन द सेम ट्रेन एंड शी अप्रोच मी दैट आई यू अलोन, आई एम ऑल्सो अलोन, एंड देन शी स्टार्टेड टेलिंग मी हर स्टोरी एंड आई फेल्ट वेरी पिटी एंड वेरी बैड दैट ये स्टोरी मैं कितने ही लोगों से सुन चुकी हूँ ये 2-3 सालों में। पहले तो मैं ये ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, तो आई नेवर न्यू, बस 4 दीवारी में घर में बैठ के किचन का काम, घर वालों को सब हैंडल करना, घर वालों का सब करना, आई हैव डन ऑल दैट फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, इतना ही करना जितना अपनी ड्यूटी है उतनी निभा के निकल जाना चाहिए, और अपने को भी खुद को भी एक स्पेस देना चाहिए। तो मैंने जी जान लगा के पूरे 10 ईयर्स पागलों जैसे हर एक का काम किया, हर एक के लिए अपना पूरा टाइम स्पेंड किया कि मैं ये भी कर देती हूँ, वो भी कर देती हूँ, अरे आप रेस्ट करो, अरे मैं कर लेती हूँ, नहीं बच्चों का भी मैं ही देख लेती हूँ, ये भी। कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, सब भूल जाते हैं। आपने जो किया, आपने एक बार बोल के दिखा दिया ना, तो बोलते हैं कि अरे ये तो बोलती है, शी इज़ लाइक दैट ओनली, बट दे वोंट अप्रिशिएट यू, दे वोंट से कि येस कि शी इज़ अ वेरी गुड डॉटर इन लॉ एंड शी इज़ डूइंग सो मच। कुछ भी नहीं मिलता है, तो उतना ही करो जितना आप के लिए पॉसिबल है, अपने जान से ज़्यादा मत करो किसी के लिए भी, कुछ नहीं मिलेगा, नॉट इवन इन अ हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप एंड अदर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। उसके बाद में व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप। सो इफ यू कैन बी कमिटेड टू योर वाइफ देन ओनली मैरी हर, अदरवाइज यू आर गेट लॉस्ट। और कितना भी मन ललचाए कहीं और जाने का, यार अगर तुम्हारे पास में पैसा आ रहा है, तुम कमा रहे हो, तो वो पैसों का यूज़ तुम उस लड़की के जीवन में कर लो, उसको सरप्राइजेस दे दो, उसको ट्रिप्स पे लेके जाओ मल्टीपल टाइम्स, 5-star प्रॉपर्टी में रुका दो, उसको सरप्राइजेस दो, कैंडल लाइट डिनर्स दो, रूम डेकोर करो, बीच डिनर दो, वो डेकोरेशंस करो उसके लिए। वो कितना खुश होगी यार कि वो तुम्हारा घर संभाल रही है और तुम उसको फ्रेश करने के लिए ऐसे लेके जा रहे हो और ये सब कर रहे हो उसके लिए। दैट इज़ अ ट्रू रिलेशनशिप। और इतना प्यार बरसाओ कि उसको अपने घर की याद ही ना आए, अपने पेरेंट्स की याद ही ना आए, वो तभी वो रिलेशनशिप टिकता है। और बॉयज़ ने भी गर्ल्स की घर में छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करना चाहिए, लाइक जैसे कपड़े घड़ी करना ही हो गया, ये एक एकदम छोटा सा एक्ट है मगर वो इतना रिलैक्स फील करवाता है। प्लस जैसे कभी चॉपिंग में हेल्प हो गई, कभी बच्चे को संभालने में हेल्प हो गई, उसकी स्टडीज़ लेने में हेल्प हो गई। डेली 1 आवर हर बॉयज़ के पास में होता है कि दे कैन गिफ्ट टू देयर चाइल्ड। उठो ना अर्ली मॉर्निंग 6 AM, 5 AM ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, तो इट इज़ अमेजिंग, मतलब यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स इन द मॉर्निंग टाइम, क्योंकि जो एनर्जी लेवल्स होती है वो मॉर्निंग में जितनी होती है वो बाद में नहीं होती है। तो that is one way how boys can help the females. I will make a next video on that.